के अलग अलग अगर आप देखेंगे तो बजट $1 trillion की दिशा में उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएगा यह हम देख सकते हैं। इसलिए उस समय से जो कार्य हुए, एक हमने जो कहा वो करके दिखाया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले हमारी पार्टी ने 130 संकल्प प्रदेश की जनता के सामने किए। यह बजट 110 संकल्पों को पूरा करता है। उनके लिए 64,000 करोड़ रुपए से राशि बजट में उसका प्रावधान किया गया है। प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान अगर देखेंगे कि 16-17 में प्रदेश का कुल जो रेवेन्यू था वह कुल प्राप्त होता था 86,000 करोड़। इस वित्तीय वर्ष में यानी मार्च 31 तक जो आज आने जा रहा है प्रदेश के पास वह 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदेश के बैंक के राजस्व में आने जा रही है। इससे पहले क्या होता, मैंने कल भी कहा प्रदेश में पहले सेल टैक्स और वैट था, इससे प्रदेश को कुल राशि मिलती थी 49,000 करोड़ से लेकर के 51,000 करोड़। आज राशि बढ़कर के होने जा रही है 1,24,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ इस वित्तीय वर्ष में बढ़कर के जाने वाली है। यानी इतना बढ़ा है उत्तर प्रदेश को, इसका इतना लाभ होने जा रहा है। और स्टेट एक्साइज में कुल 12,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को मिलते थे 2017 तक, मार्च 17 तक। आज ये राशि बढ़कर के जाने जा रही 12,000 करोड़ बढ़कर के जाने जा रहा 45,000 करोड़ के राज्य को इसके प्राप्त होने वाले। ये पैसा कहां जाता था? चोरी होता था। ये पैसा जब जाता था तो लोग इंग्लैंड में होटल बनाते थे। ये पैसा जब जाता था तो ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीदे जाते थे। पैसा राज्य का जो प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए था, प्रदेश के गरीब कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए था, प्रदेश के वृद्धजनों के लिए योजना बनाने के लिए, नौजवानों के लिए योजना बनाने के लिए खर्च होना चाहिए था, उनके नहीं खर्च हुआ। ये पैसा कहां चला गया यह तो आप देख सकते हो। और ये तब हुआ है, ये तब हम कर रहे हैं जब डीजल पेट्रोल पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाने की बजाय हमने टैक्स को कम किया, उत्तर प्रदेश के अंदर वैट कम किया। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल पेट्रोल सबसे कम है, अगल बगल के किसी भी राज्य के अंदर आप देखेंगे सबसे कम है। यह उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किया है वह इसकी एक झलक भी प्रस्तुत करता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।